नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, प्रदेश की 15 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है, भर्तियों में गड़बड़ी के विवादों के बीच कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, सरकार ने किया स्वीकार। राजस्थान में भर्तियों में गड़बड़ी के विवादों के बीच कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बीएल जाटावत ने इस्तीफा दे दिया है। गहलोत सरकार ने जाटावत के इस्तीफा को स्वीकार भी कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर सतीश पूनिया का दावा, पूरी ताकत के साथ लड़कर शानदार जीत हासिल करेगी बीजेपी। राजस्थान की 20 जिलों के 90 निकायों में होने वाले चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। पूनिया ने कहा है कि बीजेपी पूरी ताकत और तैयारी के साथ निकाय चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से पार्टी को शानदार जीत भी मिलेगी। अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें तो आपको बता दें कि आज हो चुकी है 17 जनवरी और कल है 18 जनवरी, मतलब स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं। 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मुख्य सचिव ने आईएएस और आरएएस अधिकारियों को स्कूल विजिट करने का दे डाला है आदेश। प्रदेश में 18 जनवरी से स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आईएएस और आरएएस अधिकारियों को स्कूल विजिट करने का आदेश दे डाला है। अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें तो आपको बता दें कि पहले कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया, अब कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस सरकार, कैलाश चौधरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी दो दिवसीय संसदीय दौरे पर शनिवार को शॉर्टन विधानसभा क्षेत्र की फागलिया पंचायत समिति के तरला गांव पहुंचे। उन्होंने इसी दौरान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार 2 साल में हर मोर्चे पर विफल रही है। अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें तो आपको बता दें कि बीकानेर लव जिवाद को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, पिता ने दावा किया है कि बेटी के साथ लव जिवाद हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस ने लड़की का वीडियो शेयर कर कहा ये लव मैरिज है। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बीकानेर में कथित लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहे हैं। दरअसल बीकानेर के बज्जू में दो अलग अलग धर्म के प्रेमी युगल ने शादी कर ली। इस पर लड़की के परिजन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसे लव मैरिज नहीं लव जिहाद बताया है। साथ ही आपको बता दें कि क्या कहते हैं इनके पिता दादा। एक दूसरा वीडियो जारी कर लड़की के दादा ने कहा कि हमारी बेटी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो किसी बेटी के साथ नहीं है, हो सकता है अब हमारी इज्जत तो चली गई, अब मैं परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। सरकार को चेतावनी दी है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। लव जिहाद के बारे में अशोक गहलोत सरकार ऐसे कानून लाए जैसे यूपी की तर्ज पर जो कानून है, यूपी में जो कानून चल रहे हैं वैसे कानून राजस्थान में होने चाहिए। अब हम जीकर क्या करेंगे, लड़की के पिता भी रोते हुए अपनी बात कहते हैं। मेरी बच्ची को ले गए और मेरे पिता पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया है। पिता का आरोप है कि उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। खुद को मामले से दूर करने में लगी है पुलिस। इस पूरे मामले को निपटाने का पुलिस ने अनूठा तरीका निकाल लिया है। आमतौर पर अपनी कार्रवाई से आम आदमी को अलग रखने वाली पुलिस ने अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही लड़की का वो वीडियो डाल दिया है जिसमें वो इसे सहमति का विवाह बता रही है। साथ ही आपको बता दें कि बीकानेर एसपी क्या बोली है। बीकानेर एसपी ने बताया कि आरोप झूठा है, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है। मामले में एसपी प्रीति संद्रा ने भी कहा है कि लड़की के परिजन की ओर से लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। खुद लड़की ने सार्वजनिक तौर पर अपनी मर्जी से शादी करने की बात कबूल कर ली है तो फिर इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो। वीडियो वायरल करने के सवाल पर एसपी ने कहा कि वीडियो लड़की से मर्जी से ही शेयर किया है, उसने कबूल किया है कि उसने लव मैरिज की है। अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें तो आपको बता दें कि कोहरे का ऐसा कहर कि दिल्ली जयपुर NH 48 पर ऐसा हादसा हुआ, 10 गाड़ियां बैठ गई और 50 लाख का नुकसान हो गया है। बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर गांव दुगेड़ा के पास शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण एक ही जगह पर 10 वाहन आपस में टकरा गए, जिनमें 2 बसें, 2 पिकअप, 1 बोलेरो, 1 ट्रेलर, 1 मिनी ट्रक सहित अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं वाहनों में सवार चालक परिचालक सहित सवारियां घायल हो गई जिन्हें बैरोड और नीमराना के अस्पताल पहुंचाए गए हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सविनय टीका आंदोलन से बड़ी खबर है। राजस्थान में पहले दिन टीकाकरण का 70% लक्ष्य पूरा हो चुका है। 4 जिलों में 100%, 21 लोगों की तबीयत भी बिगड़ी है। आपको बता दें कि 1.9 लाख लोगों को टीका लगा पूरा प्रदेश में कल, कहीं गंभीर साइड इफेक्ट नहीं। अब सोमवार को लगेगी वैक्सीन, जो शनिवार को नहीं आ सके उन्हें फिर मैसेज भेजकर बुलाया जाएगा। ये थी प्रदेश की राजस्थान की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप आज ही द सुगम को सब्सक्राइब कर लें।